हेलो, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं ये बना रही हूँ आज ब्लॉग छोटे किटन्स के बारे में, कि उनकी आंखें कब खुलती हैं, उनको कब डाइट देनी है, क्या और पहली डाइट उनको क्या देनी है और उनकी केयर कैसे करनी है। तो मैंने सोचा चलो आज छोटे किटन्स पे, आज हमारे पास छोटे किटन्स हैं तो मैंने सोचा चलो छोटे किटन्स पे आज वीडियो बनाई जाए। और हो चुकी है सुबह और मैं आ चुकी हूँ इधर किचन की तरफ। तो ये देखो हमारे बच्चे, ये देखो किचन के पास धरना देके बैठ गए कि मम्मा आ चुकी हैं। तो उन्होंने हमने कुछ ना कुछ खाने को देने ही देना। तो इस टाइम हो रहा है हमारे बेबीज़ के दूध पीने का टाइम। तो सब ने अभी दूध मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रखा हुआ है। लेकिन ये देखो सुबह सुबह 6 बज रहा है इस टाइम और ये देखो सब उठे बैठे हैं। और ये देखो छोटे बेबीज़ भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे चले आए। ये देखो मेरा पेड़ा, लड्डू पेड़ा, ये छोटा वाला कैसे अपनी मम्मा। और ये देखो बड़े वाले तो पहले पहले आ जाते हैं। डेजी बेचारा दूध पी रहा था और वो उसको छोड़ के और डेजी को प्यार करने लगी। फ्लावर का बेबी है ये, फ्लावर का बेबी नहीं है, ये है शाशा का बेबी, लेकिन वो फ्लावर का दूध पी रहा है। और ये बैठे, ये देखो सब कहाँ कैसे बैठे हुए हैं। और ये देखो इसका जगह अभी नहीं है, जब ये छोटा सा था ना, ये जब चलने लगा है जैसे बस यहीं आके बैठता था। ये और एक वो मैगी, ये दो लोग यहीं पे बैठते हैं, ये दोनों बहन भाई। और ये देखो एक ये भी आ गया हमारा लड्डू, तो मैंने इसका नाम लड्डू रखा हुआ है ब्राउन वाले का। और ये देखो ग्रेसी भी आके बैठ गई है यहीं पे। और ये सो रहा है हमारा सुल्तान। सुल्तान देखो कितना कोने में आके भाई, लेकिन पीछे ज़रूर आना है मेरे। ये देखो सो गया है बिल्कुल, कहीं पर भी जगह बिल्कुल यहीं पर सबने आ जाना। और देखो जहाँ जहाँ जाएंगे पीछे पीछे चलते रहते हैं सारे। ये हमारे क्यूट क्यूट से बेबी, ये देखें कैसे बैठे हुए हैं। और ये देखो और कौन है यहाँ पर, और ये है हमारी प्यारी हेजल। और ये देखो स्नोबेल, देखो कैसे सो रहा है यहाँ पे बिल्कुल। वहाँ सो रहे थे सब, लेकिन जब उन्होंने देखा दरवाज़ा खोल के मैं बाहर आ रही हूँ तो सब पीछे आ गए। और ये आ गई हैं सूजी, सूजी मम्मा बैठी हुई हैं, सूजी भी पीछे पीछे आ चुकी हैं, सूजी भी बैठ गई हैं। तो बस अब सूजी को भी दूध पीना है, दूध पीना है मैंने गर्म करना। और ये देखो स्नो, ये स्नो नहीं है, ये है हमारे फ्लावर का बेबी। तो माशाल्लाह हमारे छोटे वाले बेबी शाशा के बेबी हो गए हैं 22-23 दिन के, और हमारे छोटे जो फ्लावर के बेबी हैं वो 1 मंथ के हो गए हैं, ठीक है। तो ये देखो लेकिन अभी भी फीड करते हैं, तो और फीड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने 45 डेज तक अपनी बेबी छोटे किटन्स की डाइट नहीं देनी है, उनको कुछ भी नहीं देना है, उनको हमने फीड पर ही रखना है। क्योंकि अभी से अगर हम इनको कुछ देंगे ना तो इनकी जो पेट पे जो भी खाना जाएगा या कुछ जाएगा तो वो नुकसान कर सकता है, तो अभी हमने नहीं देना है। तो ये देखो फुलवा चल रही है, लेकिन ये लोग है ना, ये जो ये बड़े वाले हैं ना, ये लोग छोटे बच्चों को तो चलने ही नहीं देता, कहीं उसकी पूंछ पकड़ते हैं कहीं उनको। ये देखो देखें कैसे स्नोबेल कर रहा है। तो ये लोग ना इसको बेचारे छोटे बच्चों को चलने ही नहीं दे रहे हैं किसी तरह। जैसे चलने लगते हैं कहीं उनको गला पकड़ के बैठ जाएंगे, कहीं उनको खेलते, वो खेलते हैं जिस तरह से, मगर ये लोग बेचारे नहीं चल पा रहे उनकी वजह से। तो ये थे हमारे बड़े बेबी, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया कौन कहाँ है क्या कर रहा है। और ये देखो सब उठ चुके हैं और सबको चाहिए इस टाइम दूध। तो मैंने बताया था आपको कि मैं सुबह सबको दूध देती हूँ और सब दूध पीते हैं हमारे बेबी, मैंने इनकी आदत डाल रखी है, ठीक है। जब से इन्होंने शुरू हुए, जब से इनको डाइट देना स्टार्ट की, तो मैंने उसी दिन से इनकी सबकी आदत डाल दी थी दूध पिलाने की। और ये कौन बैठा है भाई, ये बैठा है हमारा बग्गी, बग्गू बैठा है दूसरे कमरे में आके बिल्कुल दरवाजे के पीछे, और ये फुलवा जा रही है दरवाजे के पीछे। ये देखो कैसे चल रही है बेचारी, चल रही है ना, पूरे घर का कोना कोना छानती रहती है मेरी फुलवा। ये देखे उसके पीछे चली गई है। तो ये देखिए कैसे जा रही है, और ये आ गई है, अभी आ जाएगी खुद ब खुद बाहर। और ये देखो इन दोनों की तो भाई मस्ती चालू रहती है, फाइट चल रही है। ये है हमारे सिम्बा, सुल्तान और डेजी, ये तो इन्हों माशाल्लाह सूजी के बेबी हैं जो एक साथ हुए थे तीनों। और ये देखो इनकी मस्ती चालू हुई है। ये देखो ये कोई ऐसी वाली फाइट नहीं है, ये फ़नी फाइट है, जो कि ये लोग खेल खेल में खेलते रहते हैं। और पर मेरा ध्यान बिल्कुल इन पे होता है और मैं बिल्कुल नज़र रखे रहती हूँ कि किसी को चोट ना लग जाए, कुछ भी ना हो जाए, तो मैं नज़र रखे रहती हूँ। तो ये फ्लावर बैठे इंतज़ार में है, दूध मैंने रख दिया गर्म पे। और ये बैठी हमारी बेबी शाशा, ये देखो
सब ने आके, और अभी थोड़े बच्चे हमारे जो है ना बाहर नहीं आए, टफिन नहीं आया हुआ है, मफिन नहीं आया हुआ है, और कौन है, हाँ, और हमारी हेजल उदा सूरी है, और हमारे छोटे किटन्स जो हैं वो भी अंदर, मैंने उनको जाली में डाल दिया क्योंकि ये लोग चलने दे नहीं रहे, तो इससे बेहतर है मैंने सोचा चलो डाल दिया। और ये बैठी है हमारी प्यारी ग्रेसी जो बहुत कम जो है ना नज़र आती है, ये तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है कहीं पे भी, बहुत कम, या तो सो जाती है या तो इनको जो मर्जी, और ये बहुत चूजी है खाना खाने में, इसको जो अच्छा लगता है ये वही खाती है, वरना इसको कुछ भी ज़बरदस्ती दो इसने नहीं खाना है। और हमारे छोटे बेबी और चाहे बड़े बेबी माशाल्लाह कुछ भी दो सब खा लेते हैं। और हमारी फ्लावर देखो, और हमारी ग्रेसी ने दूध, अभी ग्रेसी की आदत डालने की कोशिश, बट ग्रेसी ने दूध नहीं पिया तो वो नहीं पीती है, और हमारा टफिन दूध नहीं पीता है। और ये देखो भाई, ये बैठ गया आके, ये है हमारा क्यूट सा सिम्बा, देखो कैसे सब बैठे हैं हमारे क्यूट क्यूट से बेबी। अभी इनके छोटे बेबी अंदर हैं तो मैं अभी चलती हूँ, आपको उनसे मिलवाती हूँ अपने छोटे बेबी। सॉरी, ये देखो भाई शुरू हो गया, अभी यहाँ पर भी ये देखें, वाह, अब ये शुरू हो गया स्नोबेल। और वड्डे बैठी है डेजी, डेजी देखो कैसे बैठे देख रही है, कैमरा दिखाया मैंने फ़ोन, और देख रही है इसमें हो क्या रहा है। तो ये देखो खड़ी हो गई मेरे पास आने के लिए, ये जा रही है। तो इनका डाइट का आपने बहुत ख्याल करना है, अभी कुछ ऐसी चीज़ें ना खिलाएं जो इनके पेट पे फर्क पड़े, इनके मैदे में फर्क पड़े। तो हमने अभी किटन्स को इसीलिए मैं नहीं देती हूँ, तो ये आ जाएं हमारे बेबीज़ में मिलने। तो ये है हमारे छोटे छोटे क्यूट से किटन, जो मैंने बताया था ना साशा और फ्लावर के हुए हुए हैं। तो ये हो गया है, फ्लावर के बेबी हो गए हैं 1 मंथ के, और जो साशा के बेबी 6 दिन बाद हुए, तो ये हो गए 21-22 दिन के। तो ये देखो, ये है फ्लावर के बेबी, जिस एक छोटा वाला जिसको मैंने बताया था बहुत कमज़ोर था, बहुत माशाल्लाह, ये देखें ये वो है, ये छोटा वाला, और वो देखो बड़ा, ये एक चढ़ा हुआ है, ये फ्लावर और एक ये दोनों, ये दोनों हुए थे फुलवा के बेबी, एक सॉरी फ्लावर के बेबी हुए थे एक फुलवा और ये दोनों ही। तो ये दोनों बेबी बॉय हैं, ठीक है, और फुलवा लड़की थी, मतलब ये देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। और वो देखो शाशा का वाला बेबी, के देखो शाशा वाले को लड्डू है, वो मेरा प्यारा सा लड्डू, और ये खेले था। तो मैं बताने लगी थी आपको कि मेरे पास एक सवाल भी आया कि किटन्स की आई कितने दिन में खुलती है, तो मैं बता दूं आपको कि इनकी आंखें कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं आँख खुलने में, ठीक है। तो इसमें कोई आपको ये नहीं है कि हफ्ते भर में खुल जाती है, या तो कम से कम दो हफ्ते लगते हैं, और वो किसी की कभी कभी एक आँख की खुलती है, फिर 2 दिन बाद दूसरी आँख की खुलती है, तो ऐसे करके इनकी आँखें खुलती है। और रही बात उनके साफ़ सफाई की या कुछ है, तो 1 मंथ तक या पूरा जो इनकी मम्मा उनको लिख करके साफ़ कर देती हैं। हाँ, बस ये है कि अगर वो थोड़ा सा अभी नहीं, लेकिन अगर हाँ 1 मंथ के हो जाते हैं या 25 या 22 डेज के हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, जो उनके मुंह पे चिपचिप हो जाता है, मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है आप देखना, तो उसमें उनको थोड़ा सा ना कॉटन वगैरह से गर्म से थोड़ा सा उनका मुँह वगैरह को साफ़ कर देना, क्योंकि चिपचिपाने लगता है तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और ये रही, तो और हाँ खाने के लिए मैंने बताया, जब तक मैं 45 डेज़ के मेरे बेबी नहीं हो जाते हैं, कोई भी जो भी अभी तक मेरे पास थे मेरे बच्चे, और सबको मैंने, चाहे फ्लावर बड़ी हो गई हैं वो थे, उससे पहले टफिन ग्रेसी और शाशा थे, चाहे वो थे, तो दोनों जो भी बच्चे थे हमारे उनसे पहले, तो मैंने सिर्फ 45 डेज में ही इनको खाना देना ज़रूरी समझो, और मैंने तभी दिया हुआ है। तो मैं 1 मंथ के हों या 1 महीने 10 दिन के हों, जो भी हो, बट मैंने जो एक रूटीन है, मैंने 45 डेज है तो है, मतलब हमने 1.5 महीने के होने पर ही इनको कुछ देना है, उससे पहले हमने इनके पेट में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है जो नुकसान करे। तो एक वो जो टाइम होता है और एक जो टाइमिंग सेट होती है, तो उसी वक्त पे दें तो ज़्यादा आपके किटन्स को फ़ायदा होगा और उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और ज़्यादा जल्दी खिलाने से उनके लूज मोशन हो सकते हैं, उनके पेट जो मींस होते हैं ना, तो वो थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, तो हमने नहीं करना है, ठीक है। तो हमने, और जब ये 45 डेज के हो जाते हैं, तो हमने शायद, मैंने एक वीडियो डाली है इनके किटन की डाइट के बारे में, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ आपको, तो आपने अगर हो सके तो फ़िश इनको सबसे पहले, अगर डाइट में शुरुआत कर रहे हैं तो आपने उनको फ़िश का फूड बना के देना है। तो मैंने वीडियो में बनाया हुआ है और मैंने वो शेयर की हुई है, आप देखिएगा। तो फ़िश फूड आपने कैसे खिलाना है, क्या करना है, तो ये देखें, तो ये बेबी और बहुत शौक से खाएंगे, और वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिससे इनके बालों की ग्रोथ होती है, जिससे इनकी आइज़ पे प्रॉब्लम नहीं होती है,
और इनके बाल नहीं झड़ते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई से पानी आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं हमारे बेबीज़ के। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है कि हमारे भी बेबीज़ बड़े भी हो गए हैं। जो बच्चे माशाल्लाह साल भर के हो गए हैं, जो बड़े वाले बच्चे हैं, बाल बाल का आज तक कोई मैटर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनकी डाइट ऐसी रखी हुई है कि बाल, अल्लाह का शुक्र है कि बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कि इनके बाल गिर रहे हो या कोई, तो इसलिए मैंने कोई ऐसी वीडियो भी नहीं बनाई कि इनके बाल गिर रहे हैं तो इसको क्या देना है क्या देना। हाँ, सबसे मेन मैं यही बात करती हूँ कि आपने अगर अपने बेबीज़ की हेल्थ का ख्याल करना है, उनके बालों का ख्याल करना है, उनकी सेहत का ख्याल करना है, तो डाइट सबसे मेन चीज़ है। उनकी डाइट जो आपने प्रॉपर अच्छी तरह से देनी है, अगर आप डाइट का ख्याल करेंगे, हमने क्या देना है क्या नहीं देना है, तो ये ना आपको इनके बालों की प्रॉब्लम होगी, ना इनके आई के पानी जो आता है आई में पानी आने लगता है, या इनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, और या उनके उल्टियां होने लगती, कभी आपने देखा हो कभी कभी, हाँ कभी कभी जो उल्टियां करते हैं ये लोग, तो ये अपने बालों को लिक करते हैं, जाहिर सी बात है, लिक करते हैं, लिक करते हैं तो वो जाके अंदर जमा हो जाता है, तो वो चीज़ निकलती है, तो वो तो करते हैं 2 दिन में 4 दिन में 6 दिन में जब भी होती, तो वो उल्टी होती है, वो चीज़ अलग है, लेकिन उससे ज़्यादा करे जा रहे हैं या कुछ करे जा रहे हैं तो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके लिए हमने डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करते रहना है अपने बच्चों की, डिवॉर्मिंग इनके पेट के कीड़े मारते हैं, मैंने डिवॉर्मिंग की भी वीडियो बना रखी है, तो उसके लिए हमने इनको डिवॉर्मिंग करनी है। और डिवॉर्मिंग के लिए ये नहीं है कि अभी छोटे किटन हमने 1 मंथ के हो जाते हैं, 1 मंथ के 1.5 महीने के हो जाते हैं, हमने डिवॉर्मिंग स्टार्ट करनी देनी है, ठीक है। तो मैंने पहली डिवॉर्मिंग कर दी है 1 मंथ के, ये तीनों के चाहिए, शाशा की बेबी की, क्योंकि 1 महीने से अभी ये 2-3 दिन ऊपर लग सके, मैंने इसलिए कर दी है क्योंकि फ्लावर थोड़ा उल्टी कर रही थी, मुझे लगा कि शायद दूध पीने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने डिवॉर्मिंग कर दी थी, तो अभी माशाल्लाह ठीक है, अच्छे से दूध पी रही है और सब कुछ खा पी रहे हैं, ठीक है। तो अभी खाना मैंने कोई डाइट नहीं दी है उनको, और ये देखो हमारी सूजी माँ बैठे बैठे दूध वगैरह पी के, ये देखो मैं तो वीडियो बनाने छोटे बच्चों की लगी थी, और ये देखो कितने सुकून से, इतनी थकी हुई है, कैसे पड़ी सो रही है, भाई इनका सोने का तरीका देखे, कैसे सो रही है मेरी सूजी बेबी तो ये देखो कैसे सो रहे हैं, और ये देखो क्या नाम है ये जल वगैरह सब जो है ना, इनको फान फून के निकल भी गए, और वो देखो बघीरा अंदर चला गया, लेकिन मैं चुप्पे से इसके वीडियो बना रही हूँ, इसको मतलब इतनी गहरी नींद में ना, उन लोग इनके आसपास से निकले भी जा रहे हैं सब कुछ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये देखो हमारी ग्रेसी को, तो बेड का तो इन लोगों ने हालत ख़राब कर दी है इस लकड़ी को ऐसे ऐसे करके, बाकी तो वाला बेड मैंने हटा ही दिया है क्योंकि नया बेड बनवाया था, इन्होंने सारा बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि उस पर रैकिंग वगैरह लगी हुई थी, सिरियाने वगैरह, तो हटा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट।